हेलो सर, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एस्ट्रॉक का ये नोट काउंटिंग मशीन। ये बहुत ही बेहतरीन मशीन है सर, अमेजोन में अभी ये बेस्ट रैंकिंग में है। बहुत ही ज़्यादा इस मशीन का सेल है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके फुल्ली डेमो आपको देंगे और कैसे प्रॉपर ढंग से आपको नोट्स रखना है इसमें, आपको काउंटिंग प्रॉपर ढंग से इसमें आपको कैसे आपको बताएंगे, नोट कैसे आपको इसमें सही से आपको एडजस्टिंग करना है, आपके फंक्शन के बारे में जैसे जितने MG1 है, MG2 है, UB है, काउंट है, ऐड है, बैच है, ये सारे के बारे में हम आपको बताएंगे, फेक नोट कैसे डिटेक्ट करेगा इस पर सारे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको मशीन को ये हम ऑन कर लेंगे। ये आपको अमेजोन पे अगर ये मशीन आप परचेज करना चाहते हैं तो STMC01 वाइट कलर में आपका ये मिल जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम आपका ये मशीन ऑन हो गया, हम आपको बताएंगे कि नोट आप प्रॉपर ढंग से इसमें कैसे आपको रखना है, कैसे प्रॉपर ढंग से इसमें रखें तो आपका नोट आपका ये जाम नहीं होगा, नोट ना रुकेगा आपका, ये पूरे हम आपको बताएंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहले ये हमारे पास ये देखिए 100 पीस का ये नोट का एक गड्डी है। हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर ढंग से ये आपको कैसे सेट करना है। देखिए सबसे पहले जो है ना ये गड्डी को जो है ना आपको इस तरह से स्लाइड करना है, मशीन में डालने से पहले हल्का से इसको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद फिर आपको इस हॉपर में इस तरह से आपको रखना है, आपको ये मशीन कभी नहीं रुकेगा। एक्चुअल आपको क्वांटिटी जैसे 100 पीस का है, 100 पीस अभी दिखा रहा है। आप अगर मान ली इस तरह से आप नोट ऐसे रख देंगे, डायरेक्ट ऐसे रख देंगे तो आपका क्या होगा, मशीन का भी बीच में आपको रुक जाएगा, आपको पॉइंटिंग सही नहीं बताएगा। तो आपको रखना जो है जैसे हम बताएं आपको प्रॉपर इस तरह से हल्का सा स्लाइड कर लेना है नोट को, गड्डी को, और आप इस तरह से आपको रखेंगे कभी नहीं आपको मशीन रुकेगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे सर कि फेक नोट कैसे आपको इसमें आपको कोई भी अगर फेक नोट आ जाता है तो आपको कैसे डिडक्शन करेगा मशीन, कैसे आपको पता लगेगा, वो हम आपको पूरे बताएंगे। सपोज मान लीजिए एक ये पेपर है, आप इसमें हम इसके अंदर हम डाल देते हैं इस नोट के अंदर में, और अभी हम इसमें मशीन में लगा देते हैं। जैसे फेक नोट आएगा ये मशीन इस तरह से आपको ये आपका अलार्म, जब तक ये नोट आप ये हटाएंगे नहीं तब तक ये अलार्म, देखिए ये आपका ये फेक नोट है ये दिख रहा है, फिर इसको आप ऐसे हटा लेंगे दोबारा काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट नोट बचा रहेगा, और आपका जो है ये नोट फेक नोट को भी काउंट करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम आपको बताएंगे आपको बैच के बारे में बताएंगे कि बैच कैसे काम करता है, ऐड कैसे काम करता है, ये हम आपको बताएं। जैसे हम यहाँ पे ये बैच ऑन कर लिए, अब बैच में जैसे 100 है, आप चाहते हो कि आप 50 का करें तो यहाँ से ये माइनस प्लस का है, प्लस करना हो तो आपको इस तरह से करना है, माइनस करना है तो आपको इस तरह से करना है। जैसे सपोज मान लीजिए हम 50 का बैच बना रहे हैं, अभी 50 का बैच है, इसको नोट इसमें जैसे आपका 50 नोट पे आएगा मशीन आपका रुक जाएगा, फिर इस नोट को उठाएंगे फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा काउंटिंग। ठीक है सर, तो बैच के बारे में आप समझ गए। आप ऐड के बारे में आपको बताते हैं, जैसे ये ऐड है, ऐड में क्या होता है, सपोज आपके पास अलग अलग क्वांटिटी में नोट, आप चाहते हो कि 100 पीस का एक नोट का एक गड्डी बनाए, तो क्या करेंगे इसमें नोट डालते जाएंगे, जैसे अब 30 नोट हो गया, आगे भी नोट डालेंगे, ये आपका 81 हो गया, तो देखिए 100 पीस का हो गया, तो आप जितने भी इसमें नोट ऐड करते जाएंगे इसका क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, ये हो गया आपका। ओके सर, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, लाइक और शेयर जरूर करें सर, थैंक यू।